महानगर के रामदत्तपुर स्थित महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के नव निर्मित भवन का उद्घाटन गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर किया गया। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, जौनपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, कॉलेज की प्रधानाचार्य वंदना त्रिपाठी सहित बीजेपी के कई नेता और कॉलेज के कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभा का शुभारंभ अतिथियों द्वारा गुरु श्री गोरक्षनाथ और महंत दिग्विजयनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया, जिसके बाद छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठे अतिथियों का स्वागत पुष्प भेंट कर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्रों में काफी परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि रामदत्तपुर में कन्या इंटर कॉलेज की कमी थी, लेकिन इस विद्यालय के निर्माण के बाद यहाँ की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर लाभ मिलेगा। सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा राष्ट्र और संपूर्ण समाज की आधारशिला है, जिसमें मजबूत करने के लिए हम सबको एकजुटता का परिचय देना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को बहुत कम समय दिया है, इसके बावजूद परिषद से जुड़े लोगों ने अपनी मेहनत से इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। वह सभी साधुवाद के पात्र हैं। परिषद इन्हीं की बदौलत जो कभी अदना सा हुआ करता था, आज वह विशाल वृक्ष की ओर अग्रसित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 15 माह के भीतर शिक्षा में काफी सुधार हुआ है। यही कारण है कि पिछले बोर्ड की परीक्षा में भारी संख्या में परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जल्द ही सभी बोर्ड के परीक्षा में NCERT लागू करने पर काम चल रहा है। मानसून के पहले बारिश में गोरखपुर में जल जमाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापौर सीताराम जायसवाल को जल जमाव से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा। हम सबके मार्गदर्शक और अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि और राष्ट्र सेवा के लिए प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान श्री शिव प्रताप शुक्ल, मंच पर विराजमान आप सभी सज्जनों विद्वत जनों का, संतों ने संस्था के प्रधानाचार्य, इसके बाद प्रदान कर सादर अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का अभिनंदन और स्वागत कर, माधुरी मिश्रा को स्वागत और अभिनंदन करने के लिए माननीय विधायक नगर श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी का, श्री जनार्दन तिवारी जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री राहुल श्रीवास्तव महानगर उपाध्यक्ष भाजपा,
इंजीनियर पीके मल जी, प्रदेश महामंत्री हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश, श्री राम भुवाल कुशवाहा महानगर प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी, तुरंत जल्दी जल्दी राजेश सोमकर जी, अजय गुप्ता जी, आशुतोष पांडे, आशीष गुप्ता, तुरंत माल्यार्पण का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। आप लोग जल्दी कर ले, जल्दी। अंकिता पांडे, उर्वशी, प्रीति, अंशिका, साक्षी और दिव्या सरस्वती वंदना, दस जी संस्था की छात्र हूँ। का स्वागत अभिनंदन, और इसके पश्चात यह जो महाराणा प्रताप कर्म भोज गोरक्ष पीठाधीश श्रद्धेय महाराज श्री के का कर्म भोज, इस भवन का निर्माण करने में आप दोनों इंजीनियर्स का बहुत अप्रतिम योगदान रहा है। बड़े समर्पण भाव से आपने कार्य किया है, जिसके लिए पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से आज सम्मानित होने वाले, गौरवान्वित होने का। उद्बोधन करने के लिए एक युवा और तेज तर्रार माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी को मैं सादर आमंत्रण। साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा या गन्ना इंटर कॉलेज जिसके मंत्री पूज्य महाराज जी हैं, 46वीं संस्था द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र 46वां इंटर कॉलेज खोला गया है। यहां से लेके बनारस तक पूरे पूर्वांचल में पूज्य महाराज जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे देवीपाटन से लेकर गोरखपुर, महाराजगंज, हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में अनेक स्कूल कॉलेज खोले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूज्य महाराज जी ने बाबा गोरक्षनाथ चिकित्सालय, जो कम समय में गरीबों के हितों के लिए जितना बढ़िया जितना सस्ता इलाज गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में होता है, साथियों पूर्वांचल के किसी हॉस्पिटल में नहीं होता है। साथियों, हम पूज्य महाराज जी को आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देंगे कि हम लोग तो मात्र 403 में एक विधायक हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, इससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं जानता था कि स्वास्थ्य के लिए भी किसी गरीब आदमी को सहायता दी जाए। धन्य है हमारे पूज्य महाराज जी। साथियों, कम से कम 2 करोड़ से ऊपर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पूज्य महाराज जी ने गरीबों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता दिया है। इस तरह से हमारे 403 विधायक उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्रों में, ये नहीं कि हम गोरखपुर के हैं या पूर्वांचल के हैं तो हमको ऐसा, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हर क्षेत्रों में जहां भी गंभीर बीमारी से लोग पीड़ित हैं, पूज्य महाराज जी एकदम पूरा खजाना खोल दिए हैं। साथियों, आज अभी मगहर में पूज्य महाराज जी ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सफल आयोजन हुआ उस रैली का। साथियों, इतिहास गवाह है, इतना मौसम खराब होने के बाद भी जितनी शानदार रैली हुई है शायद कभी उसी रैली नहीं हुई होगी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूज्य महाराज जी को और आप सभी के पद धन्यवाद ज्ञापित करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी, महापौर गोरख।
परम पूज्य महाराज जी जो आज रामदत्तपुर इंटर कॉलेज लोकार्पण के अवसर पर हम सबों के बीच में शिक्षक परिषद की स्थापना की थी, उनकी दूरदर्शिता, उनके कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति किसी से छिपी नहीं है। महाराज जी ने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत में भारतीय शिक्षा प्रणाली को तहस नहस किया जा रहा है, वैसे समय में महाराणा प्रताप शिक्षक परिषद की स्थापना करके महाराज जी ने पूर्वांचल वासियों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और आपने सुना होगा हमारे भगवान सिंह जी कह रहे थे लगभग 4 दर्जन शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर खुली है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अवैधनाथ जी महाराज ने इसे पुष्पित पल्लवित किया है और आज ये विशाल स्वरूप चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, हमारे महाराज जी आज वर्तमान मुख्यमंत्री बड़े ही बाखूबी निर्वहन करते चले आ रहे हैं। आपके राज्य उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा इसकी दिन रात चिंता में लगे रहते हैं। जब सत्ता मिली थी हाथ में आप जानते हैं कि गोरखपुर ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश में माफिया राज था और आए दिन माताओं बहनों का अपहरण होना, लूट होना, हत्या होना, डकैती होना आम बात थी। और आज एक साल के शासन काल में न गुंडा है न माफिया है, या तो ऊपर चले गए या जेल में। आप देखेंगे उद्योग के क्षेत्र में एक अपूर्व भूतपूर्व क्रांति होने जा रही है। इन्वेस्टर समिट के अंदर भारत के इतिहास में पहली बार जो 70 साल में उतना हमारे मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को खेती। आज मोदी जी ने वहां घोषणा की है 1,000 करोड़ रुपया उनको दिया जाएगा जिससे उनकी माली हालत बने। आगे शिक्षा के क्षेत्र में महाराज जी चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, नेतृत्व में जिस तरह से मोदी जी ने बताया है पूरा सहयोग मिलेगा और हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। जय हिंद, जय भारत। एक शास्त्र की उक्ति है, न चौर हार्यम न च राज हार्यम न भात भाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। चोर जिसे चुरा नहीं सकता, राजा जिसे छीन नहीं सकता, भाई जिसे बांट नहीं सकता, कर जिसे घटा नहीं सकता, और जितना भी व्यय किया जाए उतना ही वो बढ़ता चला जाता है। ऐसा धन जो सारों धनों में प्रधान है उसे हम विद्या का धन कहते हैं। और हमें गर्व की अनुभूति होती है कि गोरक्ष की पीठ जब से स्थापित हुई है लगातार इस क्षेत्र में, इसने पूरे पूर्वांचल में नहीं शायद पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक कार्य किया है। पूज्य महाराज जी के दादा गुरु जब योग शिक्षा भी नहीं लिए थे 1933 में, उसके पहले भी उन्होंने इस बात का एहसास किया था, मैं आया चाहे जहां से हूं इस क्षेत्र की शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना है। और इसलिए योग शिक्षा लेने के पहले ही उन्होंने जो पहला काम किया 1932 में एक विद्यालय की स्थापना किया। पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के कार्यकाल में वो पूरा का पूरा बगीचा बढ़ता चला गया, 32 संस्थाओं की स्थापना हो गई। और जब से हमारे वर्तमान महाराज जी इस शिक्षा परिषद के मंत्री हुए लगातार इन संस्थाओं में वृद्धि हुई और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 46 विद्यालय
तकरीबन 70,000 छात्र, तकरीबन 10,000 शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के साथ शायद निजी क्षेत्र में यह काम करने वाला उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा और सबसे प्रभावी शैक्षणिक संस्थान है। गोरक्षपीठ को इस कार्य के लिए, इस महती समाज निर्माण के कार्य के लिए इस मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाइयों का देने का काम करता हूँ। पूज्य महाराज जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी लगन थी और इसलिए हम लोगों ने देखा है इस बात को कि जब से आप मुख्यमंत्री हुए हैं, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, बच्चों का जीवन कैसे बेहतर हो, उन्हें पाठ्य पुस्तकों के साथ, यूनिफॉर्म के साथ जूते मिले, उन्हें स्कूलों में बिजली मिले। कल ही की घोषणा थी सारे विद्यालयों में पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले। यह सारी व्यवस्था इस बात का प्रतीक है कि आप जिस पीठ से जुड़ करके काम करते हैं वह पीठ शिक्षा को समाज परिवर्तन का एक सबसे प्रभावी और सबसे महत्वपूर्ण माध्यम मानती है। केंद्रीय भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को अपने उद्बोधन। पूज्य दिग्विजय जी महाराज, एक राजनीतिक पुरुष थे, एक महंत थे, तपस्वी थे और ये कहा जाए कि हिंदुत्व के तेज पुंज थे, तो निश्चित रूप से यह बात सटीक हो। और ये न केवल गोरखपुर वरन जब भी चर्चा चलती थी तो संपूर्ण हिंदुस्तान में भी उनके नाम की चर्चा चलती थी। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का की स्थापना किया, आज वो वट वृक्ष बन चुका है। उन्होंने गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया था, अपना भवन तक दिया था विश्वविद्यालय को शुरू में चलने के लिए। और उसी के आधार पर कॉमर्स फैकल्टी जो चलती थी उसका नाम ही महाराणा प्रताप जी के नाम पर था। परम तपस्वी पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज ने उसको गति दिया और अपना मृदुल व्यवहार, लोगों के प्रति स्नेह, वो हर जगह जाने जाते थे। आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस क्रम को बढ़ाते चले गए। चिकित्सालय से लेकर के शिक्षालय तक, शिक्षा से लेकर के चिकित्सा तक, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी कर करके इस काम को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से अभी जब डॉक्टर राधामोहन लाल जी कह रहे थे, मैं इससे सहमत हूँ, बेसिक शिक्षा में एक अद्भुत परिवर्तन धीरे धीरे अब उत्तर प्रदेश में आ रहा है। लगन की बात है कि लगन सरकार ने इस प्रकार का किया और वो आ रहा है। माननीय मोदी जी आए थे, आज देर तो बहुत गए, लेकिन सीताराम जी ने वो भार हम पर कम कर दिया। वित्त मंत्री के नाते मैं कह सकता हूँ वो मघर में 8,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री जी को दिए और इन्होंने मुझे 1,000 में छोड़ दिया। मेरा तो बचा लेकिन मुख्यमंत्री जी तो नहीं छोड़े। बंधुओं, इस क्षेत्र में कन्या विद्यालय का अभाव था,
पहले एक छोटा सा विद्यालय था, जब जूनियर हाई स्कूल था, हम लोग आते थे जब यहाँ पर चुनाव के समय में यहाँ बूथ बनते थे, और इसी साल पर था, धीरे धीरे वो बढ़ा, बढ़ करके आज कन्या इंटर कॉलेज हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉर्म्स होता है, मुख्यमंत्री जी ने एक और उदाहरण प्रस्तुत किया कि इंटर कॉलेज की मान्यता पाने के लिए जिस प्रकार के नाप के और जिस प्रकार जितने कमरे की आवश्यकता हुई, जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो गई तब तक उन्होंने इंटरमीडिएट कॉलेज की मान्यता नहीं लिया। ये सबसे बड़ी बात है। सत्ता में बहुत कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को एक आदर्श के रूप में दिया, भले ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन कॉलेज के मुखिया होने के नाते भी इन्होंने उस पूरे नॉर्म को पूरा किया, और पूरा करने के बाद तब कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज की मान्यता को लेने का काम किया। आजकल के समय में ये होता नहीं है, लेकिन हम लोगों के संस्कार ऐसे हैं कि उस संस्कारों में यही कुछ संदेश देता है। तो यह विद्यालय भी एक कन्या विद्यालय के रूप में इस क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करने के लिए, यहाँ की कन्याओं को बाहर ना जाना पड़े, यहीं पर उनकी शिक्षा हो जाए इंटरमीडिएट स्तर तक की, उधर जाकर के सूरज कुंड में सरस्वती शिशु मंदिर बालिका विद्यालय में होता था, अब एक और स्थान मिल गया है। मैं यहाँ बालिकाओं के शिक्षा के लिए जो एक कार्य हुआ है उसके लिए भूरी भूरी धन्यवाद देते हुए, और बढ़े और फले और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपना कीर्तिमान स्थापित करे, इस बात को कहते हुए अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। माध्यमिक बना योगी जी के कर कमलों से है लोकार्पित जा रहा क्रिया नारी सम्मान बढ़ाने को। कन्या इंटर कॉलेज के आज के लोकार्पण कार्यक्रम मैं महाध्यक्ष के रूप में उपस्थित कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व कुलपति और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री सीता पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, माणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यगण, प्राचार्यगण, आचार्यगण, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारी उपस्थित नागरिक बंधुओं, मैं सर्वप्रथम आप सबको, आप लोग माणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस नवोदित संस्था के लोकार्पण कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हृदय से साधुवाद देता हूँ। एक वर्ष से, लगभग सवा वर्ष से मैं बहुत कम समय माणा प्रताप शिक्षा परिषद के लिए दे पाया, उस सब के बावजूद माणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे पदाधिकारियों ने प्रोफेसर यूपी सिंह जी के नेतृत्व में और विभिन्न संस्थाओं के संस्थाध्यक्षों ने भी अपने अपने संस्थाओं को पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, मैं इसके लिए हृदय से इन सभी को साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने माणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना के पीछे ब्रह्मलीन गोरख सपिताधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरख सपिताधीश्वर पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज और माणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले
उन सभी महापुरुषों के प्रति जिन्होंने माणा प्रताप शिक्षा परिषद के साथ सहयोगी बनकर के सहभागी बनकर के इस पूरे ज्ञान के यज्ञ को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उनके आत्माएं सचमुच आलोकित हो रही होंगी जब वह माणा प्रताप शिक्षा परिषद में प्रतिवर्ष एक नई संस्था को देख रहे होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में माणा प्रताप शिक्षा परिषद ने शैक्षिक पुनर्जागरण में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। 1932 में पहली संस्था की स्थापना गोरखपुर में होती है, जो बाद में माणा प्रताप शिक्षा परिषद की अनेक संस्थाओं के रूप में बढ़ते हुए आज एक विशाल वटवृक्ष बनने की ओर अग्रसर है। यही माणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का आधार बना था। जैसे प्रोफेसर यूपी सिंह जी ने यहाँ पर कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला बालिका महाविद्यालय माणा प्रताप शिक्षा परिषद ने दिया, पहला पॉलिटेक्निक निजी क्षेत्र का माणा प्रताप शिक्षा परिषद ने दिया, और अनेक इस प्रकार के कार्यक्रम, गोरखपुर विश्वविद्यालय का पहला नर्सिंग कॉलेज माणा प्रताप शिक्षा परिषद ने दिया। एक प्रयास है कि जिससे समाज में हम स्वावलंबन और सम्मानजनक स्थिति पैदा कर सकें, उस प्रकार की स्थिति माणा प्रताप शिक्षा परिषद आगे बढ़ाए। देखिए, मैं माणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी प्राचार्य या आचार्यगण हैं, सबसे इस बात को कहूंगा कि संस्था स्थापित हो, लेकिन संस्था मानकों को पूरा करे, और मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जब हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं तो शिक्षण संस्थाओं को स्वयं उन मानकों को पूरा करना होगा। और मुझे विश्वास है कि जैसे इस कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने 2-3 वर्ष वेट किया, जब पूरे मानक हो गए, मानक पूरे करने के बाद सारे निर्माण के कार्य संपन्न हो गए, तब उन्होंने आवेदन किया। आवेदन के बाद फिर उन्हें नियमानुसार जो मान्यता मिली, उस नियमानुसार मान्यता के बाद वे यहाँ पर नया पाठ्यक्रम चलाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से जो भी बालक बालिकाएं यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उस मानक के अनुरूप एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा उनको दी जा सकती है, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर विगत 1.25 वर्ष के अंदर, 15 महीनों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने व्यापक सुधार करने का प्रयास किया। नकल विहीन परीक्षा प्रदेश के अंदर हो, यह एक सपना था, लेकिन उस सब के बावजूद इस वर्ष आपने देखा होगा कि चाहे वह उच्च शिक्षा रही हो, विश्वविद्यालयों की शिक्षा रही हो, महाविद्यालयों की शिक्षा रही परीक्षा रही हो, या माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा करने का परिणाम ही था कि एक ओर जहां 12 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा से वे लोग उड़ करके चले गए थे, उन्होंने परीक्षा छोड़ दी थी। हम लोगों ने जब इस बात की जांच कराई कि आखिर ये सब जो लोग परीक्षा छोड़ करके जा रहे हैं कौन लोग हैं, आप आश्चर्य करेंगे, उसमें 90% लोग वो थे जो लोग केवल शिक्षा माफिया के चंगुल में फंस करके परीक्षा नहीं देते थे, बल्कि उनके स्थान पर कोई ना कोई मुन्ना भाई आकर के परीक्षा देता था, और फिर वह अच्छी मेरिट गलत तरीके से ला करके प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों को मेरिट में आने से रोकती थी। लेकिन इस वर्ष आपने देखा होगा कि अप्रैल के महीने में ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा परिणाम को एक ही दिन में ला करके पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य सरकार के बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम को प्रदेश के देश के अंदर लाने में एक साथ सफलता प्राप्त की। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की कि माध्यमिक शिक्षा में अब आमूलचूल परिवर्तन का समय आ गया है, शिक्षा राष्ट्रीयता से उत्प्रोत हो, लेकिन साथ साथ किसी भी अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा के योग्य भी हमारे बालक बालिकाओं को बना सके, इस जिससे एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हम लोगों ने 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में इस वर्ष लागू कर दिया है। अगले वर्ष यही पाठ्यक्रम हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में भी जाएगा।
यानी अब बोर्ड का अंतर सीबीएसई का बोर्ड है, आईसीएसई का है या यूपी बोर्ड है, अब ये अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक समान शिक्षा इन सभी बोर्डों की परीक्षाओं के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर ला रहे हैं। दूसरा, आपने बेसिक शिक्षा का देखा होगा, विगत वर्ष हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान जुलाई माह में प्रारंभ किया था, इस वर्ष अप्रैल माह में यह अभियान चला था। बेसिक शिक्षा परिषद में इस अभियान का परिणाम था कि विगत वर्ष से लेकर के अब तक लगभग 40 लाख से अधिक बच्चों की उपस्थिति बेसिक शिक्षा परिषद के प्रदेश के विद्यालयों में संख्या बढ़ी है। आज के दिन पर हमारे पास बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पूरे प्रदेश के अंदर 1,77,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार देती है। उनको यूनिफॉर्म भी देती है, बैग बुक्स भी देती है, शूज सॉक्स भी देती है, स्वेटर भी देती है, और भी शिक्षा की गुणवत्ता को पूरी तत्परता के साथ लागू करने के लिए वहां पर भी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि इस देश के ऋषि मुनियों के, संतों के, इस देश के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व देने वाले उन महापुरुषों का, चाहे वो राष्ट्रीय महापुरुष हो, चाहे उन्होंने देश की स्वाधीनता के आंदोलन में अपना योगदान दिया हो, या जीवन के जिस भी क्षेत्र में जो भी उल्लेखनीय कार्य जिस भी महापुरुष के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हुआ हो या राष्ट्रीय स्तर पर, उन सब को भी हम पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके अपने अतीत के साथ जोड़ने का कार्य हम उन बच्चों के साथ करेंगे, और आज उसको पूरी तत्परता के साथ लागू करने का प्रयास पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। हम सबको इस बारे में कभी भी विस्मित नहीं करना चाहिए कि शिक्षा समाज और अंततः इस पूरे राष्ट्र की आधारशिला है। शिक्षा जैसे होगी उस प्रकार का हमारा नागरिक होगा, और जैसे नागरिक होंगे उस प्रकार की स्थिति उस प्रदेश और देश की होगी। आज आवश्यकता है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दिशा से हम राष्ट्रीयता से उत्प्रोत, गुणवत्ता से युक्त शिक्षा की प्रणाली को हर विद्यालय, महाविद्यालय में, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में लागू करने के साथ साथ इसके साथ सरकार की अपनी सीमित क्षमताएं, मैं मानता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जब हम शिक्षा की व्यवस्था को देखते हैं तो इसमें 30 और 70 का अंतर आता है। सरकार के स्तर पर 30% ही योगदान है, आजादी के 70 वर्ष में 30% योगदान सरकार के स्तर का है और 70% योगदान यह निजी क्षेत्र का है। लेकिन निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाएं भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे सके, जहां इस बात को ध्यान में रहना, वहीं साथ ही साथ इस बात का भी प्रयास होना चाहिए कि वे केवल फीस वृद्धि करने के अड्डे मात्र न बन जाए। और बहुत सारी निजी क्षेत्र की संस्थाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, उनका योगदान सराहनीय है, उनका प्रयास बहुत अभिनंदनीय रहा है। लेकिन साथ साथ हमें यह भी बात को ध्यान में रखना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि शिक्षा से समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी अंग, कोई भी उपांग वंचित न रहने पाए। अगर एक भी व्यक्ति समाज में निरक्षर रह जाए, अनपढ़ रह जाए, तो समाज के लिए एक कलंक होता है। ये जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज को इस जिम्मेदारी को स्वयं लेना होगा, और इस जिम्मेदारी को लेने की दिशा से आज जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, माणा प्रताप शिक्षा परिषद ने गोरख स्पीड के तत्वाधान में इस कार्य में अपने धर्मार्थ भूमिका का निर्वहन किया है। मेरे पूज्य गुरुदेव इस बात को हमेशा कहते थे कि चिकित्सालय खोलो या शिक्षा का कोई केंद्र, वह व्यवसायिक नहीं होना चाहिए, उसके पीछे धर्मार्थ का भाव होना चाहिए, उसके पीछे चैरिटी का भाव होना चाहिए। समाज के लिए हम अच्छा करें, लेकिन समाज के शोषण की बू वहां पर कहीं भी नहीं आती भी दिखनी चाहिए, और इस भाव को ध्यान में रखकर के माणा प्रताप शिक्षा परिषद
इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। मुझे विश्वास है माणा प्रताप शिक्षा परिषद की हमारे सभी पदाधिकारी, माणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यगण, प्रधानाचार्यगण, आचार्यगण, वे सभी मिलकर के अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। दूसरा, मेरी अपील होगी अन्य सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से भी कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे जनपद में, हमारे नगर में, हमारे कस्बे में अलग अलग क्षेत्र की अच्छी संस्थाएं खुले। खासतौर पर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो बेसिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा, इसमें अच्छी संस्था खोलने में किसी संस्थान को, किसी संगठन को रुचि लेनी चाहिए। उच्च शिक्षा के भी अच्छे संस्थान खोले जो परस्पर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ सके। स्किल डेवलपमेंट के केंद्र खुले जिन केंद्रों को किसी न किसी इंटरप्राइजेस के साथ जोड़ करके, जहां पर हम उन स्किल जो हमारे ऐसे नौजवान हैं जो स्किल डेवलपमेंट के किसी एक पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उन पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम उन्हें कहीं ना कहीं उनका प्लेसमेंट करा सकें, इस बात के लिए जहां हमें प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वहीं बहुत सारा क्षेत्र है, नए नए क्षेत्र आ रहे हैं जिन क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है। नर्सिंग का क्षेत्र है, पैरामेडिकल का क्षेत्र है, ई कॉमर्स का क्षेत्र है, जीवन में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कार्य करके हम लोग एक नई दिशा अपनी आज की युवा पीढ़ी को दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या भी सर्वाधिक है। हमारा यह युवा ऊर्जावान है, प्रतिभावान है, उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ हमारा समाज और हमारा राष्ट्र ले सके, इसके लिए विभिन्न संस्थाओं को इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना होगा। इन जिम्मेदारियों को लेकर के उन्हें एक नई दिशा देनी होगी। उनका वह मार्ग जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वयं आगे आना होगा। और अगर सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं इन कार्यों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाती हैं, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हम लोगों ने देखा है, आपने आप याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन हमारे युवाओं के इस कौशल को भी हम आगे बढ़ाने के लिए एक मंच दे सकें, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वावधान में प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के विशेष कार्यक्रम प्रारंभ हुए। हर राज्य को कहा गया कि अपने अपने जनपदों में तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नगर निकाय के स्तर पर इस प्रकार के केंद्र खोले गए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत एक वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर हर तहसील स्तर पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के एक नए केंद्र को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। एक वर्ष में 6 लाख से अधिक नौजवानों ने प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के पाठ्यक्रम में अपना नामांकन करवाया। 4 लाख से अधिक नौ जो यूथ हमारा था, हम लोगों ने उन्हें वहां पर प्लेसमेंट कराने का, नौकरी और रोजगार से जोड़ने का भी कार्य किया। आप सोचे कि अकेले प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 लाख से अधिक युवाओं को अगर स्वावलंबन और सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित कर सकता है, अगर प्रदेश का हर संस्थान इन जिम्मेदारियों को ले। हमारे महाविद्यालय हैं, हम इसमें सामान्य पाठ्यक्रम तो चलाते हैं, डिग्री देने के पाठ्यक्रम तो चलाते हैं, लेकिन रोजगार परक कोई ऐसा पाठ्यक्रम उसके साथ जोड़ने का कार्य नहीं करते जिससे वह छात्र आगे बढ़ सके। हमारे इंटर कॉलेजेस हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बात को बार बार कहते हैं कि हम इन संस्थाओं को खोल तो देते हैं, लेकिन खोलने के बाद इनकी जो उपयोगिता होनी चाहिए उसको उस रूप में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाते। अब जैसे यहां पर इंटर कॉलेज खुला, गोरखपुर जनपद में ऐसे दर्जनों इंटर कॉलेजेज होंगे, उनमें अपनी साइंस की लैब होगी, केमिस्ट्री की लैब होगी, बायोलॉजी की लैब होगी, फिजिक्स की लैब
होगी। ये लैब सामान्य रूप से बच्चे वहां की प्रयोगशालाओं में जाकर के उसका अभ्यास करते होंगे, लेकिन अप्रैल मई जून जून में या जुलाई तक ये 4 महीनों में उन प्रयोगशालाओं का बहुत उपयोग नहीं होता होगा। अगर इन 4 महीनों में हम बायोलॉजी की लैब को या केमिस्ट्री की लैब को थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथनिंग करके अगर वहां पर हम लोग सॉइल टेस्टिंग का कार्य वहां पर प्रारंभ कर सके या वहां पर कोई ऐसा अन्य कार्यक्रम जो राज्य सरकार या भारत की सरकार के किसी एक मिशन का हिस्सा हो तो उस संस्थान की उस लैब का भी उपयोगिता होगी, उसकी आय में वृद्धि भी होगी और साथ साथ शासन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक केंद्र भी मिल जाएगा। सरकार को अतिरिक्त धन खर्च करके नई लैब की स्थापना नहीं करनी होगी, लेकिन हमें रुचि लेनी पड़ेगी। ऐसे ही कार्यक्रम आप देखते होंगे जब हम महाविद्यालयों में जाते हैं, बच्चे आते हैं 3 से 4 पीरियड वहां पढ़ करके फिर चले जाते हैं। हमने उस महाविद्यालय में या उस अन्य कॉलेजेस में कोई ऐसे अन्य पाठ्यक्रम नहीं चलाए हैं जो शिक्षा के साथ साथ और व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार उस पाठ्यक्रम को स्वीकार करके और उसके माध्यम से अपने कौशल को एक मंच दे सके। अगर उस प्रकार के पाठ्यक्रम को हम महाविद्यालयों के साथ, इंटर कॉलेजेस के साथ, विभिन्न संस्थाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर लें, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। कहीं कोई दुर्घटना घटित होती है, आप देखते होंगे दुर्घटना घटित होने के बाद पूरा समाज तमाशबीन बना रहता है, कोई व्यक्ति उठाने की जहमत नहीं करता है कि जो दुर्घटना के शिकार हुए हैं इनको उठा करके हॉस्पिटल में पहुंचा सके, और अगर किसी ने दरियादिली दिखाई भी तो उसको उठाने का तरीका मालूम नहीं होता। क्या हम अपने महाविद्यालयों में पैरामेडिकल के या इस प्रकार के मामलों में दुर्घटना होने वाली किसी भी आपदा से निपटने से संबंधित इस प्रकार के पाठ्यक्रम को इसका हिस्सा बना सकेंगे? क्या हम किसी भी आपदा के समय हमारे संस्थाएं वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के किसी पाठ्यक्रम के साथ, पैरामेडिकल के किसी पाठ्यक्रम के साथ आम जन की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं? हमें इन सबको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना पड़ेगा, हमें इनको दैनिक जीवन के साथ जोड़ना पड़ेगा। भूकंप आता है, भूकंप से बचाव के लिए हम किसी को जागरूक नहीं करते। आपने देखा होगा जब 3 वर्ष पहले नेपाल में भूकंप आया था तो नेपाल के भूकंप के बाद भूकंप के झटके जब आते हैं तो काफी लंबे समय तक रुक रुक करके आते हैं। आपने देखा होगा हजारों लोग मैदानों पर सोने के लिए विवश हो गए थे, लेकिन इस प्रकार की आपदा में कैसे बचाव होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी किसी भी संस्थान के द्वारा देने का प्रयास नहीं हुआ। हमें अपने पाठ्यक्रम का, बातें छोटी लेकिन महत्व उसका बड़ा है, और मुझे लगता है यह आज की आवश्यकता है। हम इस बात को स्वीकारें, अपनी संस्थाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करें, जीवन क्षेत्र में उस क्षेत्र की सामाजिक, उस क्षेत्र की आर्थिक, उस क्षेत्र की भौगोलिक, उस क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप जो वहां के लिए आवश्यक हो उस प्रकार के पाठ्यक्रमों को भी हम अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाए। अगर हम उस प्रकार का कार्य कर सकेंगे बहुत अच्छे, और बड़ी तादाद में हम अपने युवाओं की ऊर्जा का उपयोग समाज के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, महाराणा प्रताप कन्या इंटर कॉलेज के इस नए भवन का लोकार्पण कर रहा है, मैं इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के साथ अपना योगदान देने वाले प्रोफेसर यूपी सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी पदाधिकारियों के साथ साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के जितने भी संबद्ध संस्थाओं के प्राचार्य, प्रधानाचार्य और आचार्यगण हैं, उन सबको महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो 2 इंजीनियर, इंजीनियर श्री सत्येंद्र चौधरी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, और महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में ये वहां पर एक शिक्षक के रूप में कार्य भी कर रहे हैं, और श्री कर्णेश श्रीवास्तव, ये लोग लगातार
हर निर्माण कार्य को बड़ी बारीकी के साथ देखते हैं और उसको आगे बढ़ाने का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ जो करते हैं, मैं इसके लिए इन सभी को हृदय से साधुवाद देता हूं। आप सभी लोग मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज यहां पर आए। कल मैंने सुना गोरखपुर में बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी। जब सीताराम जायसवाल जी यहां भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए को 1,000 करोड़ कर दिया, तो मैंने कहा लगता है 7,000 करोड़ रुपए गोरखपुर महानगर के लिए ले लिए होंगे। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि गोरखपुर को जल प्लावन से आगे मत प्रभावित होने देना। भीषण बारिश थी, मैं मानता हूं किसी भी नगर में 5 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश पड़ेगी, क्योंकि रात्रि 2:30 बजे से मूसलाधार बारिश पड़ी थी, जो मैं लखनऊ में मैंने जो जानकारी दी थी, और 2:30 बजे से लेकर के सुबह 7:30 बजे तक मूसलाधार बारिश थी। स्वाभाविक रूप से इस मूसलाधार बारिश में मुंबई जैसे शहरों में भी जिस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो घंटों जाम होता है, पूरा नगर, पूरा महानगर जल प्लावन का शिकार होता है। गोरखपुर एक छोटा महानगर है, लेकिन फिर भी सावधानी आवश्यक है। पहली बरसात में बहुत सावधान करने की चेतावनी दी है और मुझे लगता है कि सावधानी बहुत आवश्यक है। उस सावधानी को ध्यान में रख करके जो पैसा महानगर के लिए आपने लिया है, उस पैसे का उपयोग महानगर वासियों को राहत देने में आप अवश्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री।